हेलो, आई एम डॉक्टर प्रीति बावा। आई एम BMS आयुर्वेदाचार्य प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। आज मैं आपको एक हर्बल ड्रिंक या हर्बल टी कह सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक बंदा आजकल चाय तो पीता ही है। चाय एक ऐसी हैबिट हो गई है, जिसे किसे कह सकते हैं कि ऐसा नशा हो गया है कि बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक इंसान को चाय का एडिक्शन हो गया है। हर एक बंदा चाय के बगैर रह ही नहीं सकता। सुबह आँख खुलते ही कई लोगों को तो बेड टी चाहिए होती है, और शाम तक उनकी चाय का 2 से 3 बार तो हो ही जाता है। तो आप ये जानते हैं उस ब्लैक टी के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं? आपको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा कि हाँ, चाय पीने के नुकसान हैं। जैसे आजकल सभी जानते हैं, एसिडिटी हो जाती है, हार्ट बर्न होता है। लेकिन इसके अलावा भी जो उस ब्लैक टी में कैफ़ीन है, आप जानते हैं वो कैफ़ीन कितना नुकसान करता है शरीर को? कहीं ना कहीं वो कैफ़ीन धीरे धीरे हमारे शरीर में जब इकट्ठा होता जाता है, एसिडिटी, हार्ट बर्न, गैस्ट्राइटिस, मूड स्विंग, कन्फ्यूजन, स्लीप एपनिया, हमें नींद भी नहीं आती कभी कभी। कई लोग तो नींद नहीं आ रही तो चाय पीते हैं कि चाय पी लेंगे तो माइंड रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन ये सब उनकी एक तरह से मिथ्या है, कि उनको ये चीज़ लगता है कि हम चाय पी लेंगे तो हम एकदम फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं ये कहूँगी कि जो ब्लैक टी पीते हैं हम, वो कहीं ना कहीं हम सबको एक मीठा जहर है जो हम डेली अपने शरीर में डाल रहे हैं। और इवन देन जानते हुए भी हम उसके एडिक्ट हो गए हैं, हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं आपको जो ड्रिंक बता रही हूँ, जो एक हर्बल ड्रिंक या हर्बल टी है, वो विदाउट साइड इफ़ेक्ट और वो हमारे हेड टू टो तक आपको एकदम फ्रेश और एक हेल्दी लाइफस्टाइल देगी। उस ड्रिंक में मैंने एटलीस्ट 25 to 30 हर्बल डिफरेंट ड्रग्स डाले हैं, जिनके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी। ये हर्बल ड्रिंक या टी आप दिन में अगर 10 बार भी ले लोगे ना, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, बिकॉज ये ब्लैक टी वाली चाय नहीं है। ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट, नेचुरल हर्बल ऑर्गेनिक टी है, जिससे आप हर्ब्स के इफ़ेक्ट आपके बॉडी में जाएंगे, और वो हर्ब्स कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, जो आपके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के लिए बहुत अच्छी हैं, लाइक लीवर, किडनी, हार्ट, इन सब को वो स्ट्रॉन्ग देंगे। आपका इम्यून सिस्टम इन्हेंस करेंगे, आपका कहीं ना कहीं जो आपके बॉडी के जो भी गड़बड़ चीज़ें हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको रिमूव करेगी, और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। एक ये ऐसा ड्रिंक है कि अगर बच्चा भी ले ले तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, इस हर्बल टी का हमने जो नाम रखा है, दैट इज़ इम्यूनो डिटॉक्स टी। इट कंटेन्स 25 to 30 हर्बल ड्रग्स, जिसमें अलग अलग हैं। एक एक करके मैं आपको पिक में भी शो करूंगी, और आपको थोड़ा सा उसके बारे में, उस हर्बल ड्रग की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, जिससे कि आपको खुद पता चलेगा कि ये हमारी बॉडी के लिए कितने बेनिफिशियल ड्रग्स हैं। मैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको दिखाऊंगी, दैट इज़ अर्जुन छाल, जो इस हर्बल टी या हर्बल ड्रिंक में डली हुई है। अर्जुन छाल, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हार्ट के लिए और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जो हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इन्हेंस, इम्प्रूव करता है। आप देख सकते हैं, ये जो लकड़ी जैसी दिख रही है हर्ब, ये रेड कलर की अर्जुन छाल है। अर्जुन छाल, जैसा कि पता है कि आयुर्वेदा में इसको कहा गया है हर्ट स्ट्रॉन्ग हर्ब, मतलब कि ये हर्ट्स यानी हमारे दिल को मजबूती प्रदान करती है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करती है। एक हर्ट, जो एक बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो पूरी बॉडी को सर्कुलेशन दे रहा है, अगर उसमें ही कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितने दिन की है। तो ये एक ऐसा मेन ऑर्गेन है हर्ट, जिसको अगर हमें एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखना है, तो अर्जुन छाल एक ऐसा ड्रग है या ऐसा हर्ब है जो हमारे लो कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल को, जो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके लेवल को कम करता है और HDL को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी इन्हेंस करता है।
और हमारा जो है एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्ट्रेस लेवल को और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन या सूजन है उसको भी ठीक करता है। तो ये हर्ब इस ड्रिंक में डला हुआ है। सेकंड मैं दिखाऊंगी आपको, जैसा कि आप देख रहे हो, गुड़ूची गिलोय जिसको हम अमृता भी कहते हैं आयुर्वेदा में। गिलोय आप ये समझ लिए एक ऐसा ड्रग है जो हमारा त्रिदोष शामक है, वाता पित्ता कफा तीन दोष आयुर्वेद में बताए गए हैं जो हमारी बॉडी में अपने ही अगर इम्बैलेंस हो जाए इन दोषों का तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो इन तीनों दोषों को गुड़ूची या गिलोय बिल्कुल बैलेंस करके रखती है, इसीलिए इसको सबसे मेन इम्यूनिटी बूस्टर कहा गया। जैसा कि आजकल कोविड में आप लोग देख रहे हो कि गिलोय बोला जा रहा है कि गिलोय का काढ़ा पीजिए, तुलसी का, जिसमें कि आपको इम्यून सिस्टम आपका इन्हेंस हो। तो हमने इस ड्रिंक में गिलोय डाला है। अगर आप रेगुलर आप इसको पीते रहोगे तो अलग से आपको कोई भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी। गिलोय हमारा त्रिदोष शामक है, हमारी इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है, किसी भी टाइप का फीवर हो उसको ख़त्म करने में हेल्पफुल है और हमारे शुगर लेवल को भी ये नॉर्मल रखता है कि कहीं ब्लड शुगर लेवल किसी का कभी बढ़ जाता है घट जाता है तो वो नहीं होगा। अगर गिलोय रेगुलर वे में कोई व्यक्ति ले रहा है उसका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। बाकी ये है कि इसका कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी पे भी अच्छा रोल है। किसी का अगर पेट नहीं साफ होता जिसकी वजह से उसको एसिडिटी गैस्ट्राइटिस रहती है तो गिलोय चूँकि जैसा मैंने बताया त्रिदोष शामक है तो उसको भी बैलेंस करके रखता है। तीसरी हमारी ड्रग है बे लीव्स तेज पत्ता, जिसे हम हिंदी अपने घर के आमतौर मसालों में यूज़ करते हैं। बे लीव्स भी इसमें हमने डाली है और जैसा कि आप जानते हो बे लीफ हम मसालों में यूज़ करते हैं लेकिन इसकी ड्रिंक यानी इसकी टी भी बनती है। कई लोग इसको बे लीफ पानी में उबाल के साथ में दालचीनी उबाल के वैसे भी टी के रूप में यूज़ करते हैं लेकिन मैंने इसमें डाली है तो ये आपके कहीं ना कहीं वेट लूज करने में भी हेल्पफुल है। बे लीफ आपकी एसिडिटी आप ये एंटी कैंसरस है और स्टमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें ये हेल्पफुल है दूर करने में। फोर्थ हमारा इंग्रेडिएंट है लवंग, ये आप देख सकते हैं ये लौंग है। लौंग के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ये एंटी अर्थराइटिक है। जिन लोगों को जॉइंट्स पेन रहता है या जिन लोगों को जस्ट नेचुरल एक पेन किलर की अगर ज़रूरत है तो अगर लौंग का आप काढ़ा पीते रहें तो कहीं ना कहीं आपको एक पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माइल्ड पेन किलर है ये। तो ये इसी इसके जो बेनिफिट्स हैं वो यही है कि ये एक एंटीसेप्टिक है, एंटी कैंसरस है, नेचुरल पेन किलर है। और भी लौंग के फ़ायदे हैं, जस्ट कफ एंड कोल्ड नेचुरल जो सीज़न में चेंजिंग वेदर में होता है उसमें भी हेल्पफुल है। हम दालचीनी और ये लौंग वगैरह का काढ़ा बोलते हैं तो इसमें लौंग पड़ी हुई है। इलायची इसमें दोनों तरह की पड़ी हुई है, ये है बड़ी इलायची, मोटी इलायची और एक ये है छोटी इलायची, इलेटेरिया कार्डमम इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं छोटी इलायची को। तो इलायची भी हमारी दोनों ही इलायची हमारी पित्त शामक हैं। पित्त यानी कि हमारी बॉडी के जो पित्ता दोषा है उसको कम कूलिंग इफेक्ट देते हैं। तो जो मोटी इलायची है कहीं ना कहीं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल है, प्लस छोटी इलायची पित्त शामक है तो हमारी बॉडी में हमारा जो भी एसिडिटी है उसको कम करेगी, पित्ता को कम करेगी। साथ ही में ये कोल्ड एंड कफ में भी हेल्पफुल है और हमारा अस्थमा वाला जो प्रॉब्लम अधिकतर लोगों को हो जाता है कफ एंड कोल्ड होने के साथ साथ ज़्यादा कफिंग हो गई, किसी की सांस फूलने लगती है, उसमें ये जो छोटी इलायची है ये बहुत रिलीफ देती है और ये हमारे बीपी को भी रिड्यूस करके रखती है, नॉर्मल करके रखती है। सातवीं ड्रग है हमारी मुलैठी, मुलैठी दैट इज़ ग्लिसराइजा ग्लैबरा इन आयुर्वेदिक, जिसमें हम आयुर्वेदा में इसका बोटैनिकल नेम है ग्लिसराइजा ग्लैबरा, नॉर्मल भाषा में हम मुलैठी कहते हैं। मुलैठी के भी आप लोगों को पता ही होगा बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मुलैठी हमारा सोर थ्रोट,
आजकल कफ कोल्ड में भी और सोर थ्रोट, जब गले में दर्द होने लगता है इनिशियली, जब भी वायरल फीवर होता है या जस्ट कोई भी हमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो गले में दर्द शुरू होता है, उसमें मुलेठी का काढ़ा हम कहते हैं जस्ट कि आप उबाल के पीजिए, तो इसमें मुलेठी हमने ऑटोमेटिकली डाली हुई है। ये हमारे कफ एंड कोल्ड को भी प्रोटेक्ट करती है और ये एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी है। इट मीन्स कि ये हमारे शरीर में कहीं भी सूजन है तो इसका काढ़ा अगर हम लें तो कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल होगा। आठवीं ड्रग है अश्वगंधा। अश्वगंधा विथैमनिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा आयुर्वेदा में इसको एक रसायन औषधि के रूप में माना गया है। अश्वगंधा के भी बहुत बड़े फायदे हैं। एक, अगर अश्वगंधा आप नेचुरली लेते रहें तो कहते हैं कि आपकी शरीर को अलग से कोई भी रसायन, यानी कि जस्ट लाइक कोई मल्टीविटामिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आयुर्वेदिक रसायन औषधि है। तो अश्वगंधा में आपको, अगर आप लेते रहते हो तो आपकी मसल स्ट्रांग होंगी, आपकी स्ट्रांग इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ये एज ए मेल इनफर्टिलिटी में भी यूज़ होता है, जिन मतलब पुरुषों में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं, तो हम वहाँ पे अश्वगंधा को कहते हैं दूध के साथ में, लेकिन इसमें हमने अश्वगंधा डाला है। तो अब इस हर्बल ड्रिंक में अगर आप मिल्क डाल के मिक्स करके ले सकते हैं तो भी बहुत बेनिफिट है। इसके अलावा अश्वगंधा हम जो है हमारी मेमोरी और हमारा मेंटल स्ट्रेस लेवल को काम करके रखता है। हमारा आजकल लाइफ स्टाइल इतनी एंजाइटी फुल है, इतनी स्ट्रेसफुल है कि हर बंदे को एंजाइटी है, और जिसकी वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस का लेवल इतना हाई है कि कई लोगों को नींद ही नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये अश्वगंधा हमारे माइंड को कूल एंड काम रखता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को लो करके रखता है और हम एक अच्छी नींद सो सकते हैं। इसमें हमने अश्वगंधा डाला है। इसी तरह से इसमें हमने ब्राह्मी डाली है, ये आप देख सकते हैं ब्राह्मी, इट इज़ ऑल्सो अ मेद रसायन। अश्वगंधा और ये मेद रसायन माने गए हैं आयुर्वेदा में। तो ये ब्राह्मी के भी यही सेम इफ़ेक्ट हैं कि यह एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे एंजाइटी लेवल को, स्ट्रेस लेवल को लो करके रखती है, हमारे मूड को कूल एंड काम रखती है, जिससे कि हम बैलेंस फॉर्म में रह के अपने डे टू डे के काम कर सकें, और हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करती हैं दोनों ही ड्रग्स जो हमारी मेदे हैं। अब आया आपका दालचीनी। ये दालचीनी है जो इसमें हमने डाली है इस हर्बल ड्रिंक में। दालचीनी के भी बहुत इफ़ेक्ट हैं। दालचीनी हमारी जो है आजकल जिस तरह से आप देख रहे हो ये जो कोविड का चल रहा है दौर, इसमें हमने एक नेचुरल काढ़ा हर एक को हम बोलते हैं, उसमें कहते हैं दालचीनी डालो, लौंग डालो, ये डालो, वो डालो, जितने भी 7-8 ड्रग मैं मतलब लोग बताते हैं या जो भी डॉक्टर्स बताते हैं, तो दालचीनी के भी इफ़ेक्ट यही है कि आपको कफ एंड कोल्ड से बचा के रखता है, प्लस आपकी अंदर से इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करता है, आपका स्ट्रेस लेवल दूर करता है, और आपके जो भी जिसे कहेंगे कि एंटीसेप्टिक का काम करता है जस्ट लाइक। अब आया इसमें हमने गुलाब फूल डाला है, गुलाब फूल और ये है सफ़ेद चंदन, ये खोला नहीं है मैंने, पाउडर फॉर्म में है। तो गुलाब फूल और चंदन दोनों ही के पित्त शामक रोल हैं, बिकॉज ऑफ ये कूलिंग इफ़ेक्ट हैं। तो गुलाब फूल आपका पित्त शामक है, तो इसलिए जितने हर्ट बर्न या जो भी हमारा नोज़िया, जी मिचलाना जैसी प्रॉब्लम होती है उसमें हेल्पफुल है, हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल है, भूख जिसको नहीं लगती है उसमें भी गुलाब के ड्रिंक को हम कहते हैं पियो तो भूख अच्छी खुल के लगती है, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है उसमें भी हेल्पफुल है, और हमारा ब्लड प्यूरीफायर भी है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ पित्त शामक। तो जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है वो कहीं ना कहीं बॉडी में पित्त बढ़ने से होती हैं, तो अगर हम पित्त को शमन कर देंगे या पित्त को घटा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी में जो भी स्किन, ऑल स्किन प्रॉब्लम, वो अपने आप ही नेचुरली क्योर हो जाएंगी। तो गुलाब फूल इज़ नेचुरल पित्त शामक,
इसी तरह से सफ़ेद चंदन भी हमारा पित्त शामक है। तो जो भी गुलाब के फूल के इफ़ेक्ट हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वही सफ़ेद चंदन के भी हैं। सफ़ेद चंदन भी हमारा पित्त शामक है, तो हमारे कहीं ना कहीं स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, रैशेज़ हैं, इचिंग की प्रॉब्लम है, उसमें हेल्पफुल है जो इसमें हमने डाला है ड्रिंक में। अब ये आया अजवाइन। अजवाइन आपको सबको पता है हम घरों में यूज़ करते हैं मसाले के रूप में। अजवाइन एक नेचुरल डाइजेस्टिव बोला गया, डाइजेशन जब किसी को भी हर्ट ब्लोटिंग हो रहा हो और नौजिया हो रहा हो या जी मिचला रहा हो या बहुत एसिडिटी गैस हो, तो सबसे पहले हम घर में कहते हैं अजवाइन ले लो जी गर्म पानी से। तो इसमें हमने नेचुरली अजवाइन डाला है कि आपको ये चाय बिल्कुल भी एसिडिटी ना करे और आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना करे, एक नेचुरल आपका डाइजेशन इम्प्रूव ही रहे और इससे कोई दिक्कत ना आए, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए जिनको गैस ज़्यादा बनती है। तो इसमें हमने अजवाइन डाला है और ये है मोटी सौंफ। मोटी सौंफ भी हमारा वेट रिडक्शन में अच्छा काम करती है। सेकंड थिंग, ये भी पित्त शामक है, ठंडी होती है, कूलिंग इफ़ेक्ट देती है बॉडी में, तो इस ड्रिंक में हमने सौंफ डाली है। लास्ट एंड लीस्ट, ये है सबसे मेन तुलसी बेसिल, होली बेसिल लीव्स। ये ड्राई फॉर्म में है, अगर ये ग्रीन फॉर्म में नेचुरल में होती तो आपको लीव्स पता ही है तुलसी की कैसी लीव्स होती हैं, लेकिन ये मैंने सुखा रखी हैं तो इसकी डंडी के साथ ही ये इसका ड्राई पाउडर फॉर्म में है। तो बेसिल तो आपको पता ही है, हर घर में हम कहते हैं तुलसी लगाओ, डेली तुलसी को यूज़ करो, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल हर तरह का इसका रोल है। तो तुलसी तो आप सोचो कि 200 तरह की प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्पफुल है, चाहे आपको कोई वायरल प्रॉब्लम हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, स्किन से रिलेटेड आपके ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन है, या आप एंटीसेप्टिक आपके कहीं चोट लग गई है उसको भी हीलिंग प्रॉपर्टी है, इसमें हीलिंग करती है, और आपका कहीं भी डायबिटिक और बीपी को भी कंट्रोल और रेगुलेट करती है, तो तुलसी तो ऑल इन वन है, आप सबको पता है। तो इसमें हमने तुलसी की भी डाली है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, अभी तो मैंने आपको ऑलमोस्ट 15 ड्रग्स के बारे में बताया है, लेकिन इसी तरह से इसमें करीब 25 से 30 ड्रग्स हमने डाली हैं। कुछ ड्रग्स अभी नहीं अवेलेबल थी तो मैं नहीं शो कर रही हूँ आपको, लेकिन आपको थोड़े बहुत नाम बता दूँगी। जस्ट लाइक मैंने इसमें शंख पुष्पी भी डाला है, जावित्री, जायफल। आप ये सोचिए कि ये ऑल इन वन ड्रिंक है, एक ऐसी चाय है कि जो कोई भी ये लेगा, आप ये समझिए कि सर से लेके पैर तक उसको कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। और अगर आप दिन में इसको एक बार क्या दो बार क्या अगर 10 बार भी ले लेते हैं एज ए जो टी एडिक्शन वाला काम है, जिसको होता है कि मुझे टी तो लेनी है, बहुत स्ट्रेस रहता है, तो वो व्यक्ति इसको अगर 10 बार भी ले लेगा तो ये चाय आपको बेनिफिट ही देगी, नुकसान नहीं करेगी। और इसका मैं आपको प्रिपेयर करने का तरीका आज तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन इसमें मात्रा बिल्कुल हाफ एंड टीस्पून इसकी लगती है, और इसको आप गर्म पानी में डाल के इसके पाउडर को बॉयल करो। कई लोग अगर विदाउट मिल्क लेना चाहते हैं तो इसको बॉयल करके स्ट्रेन करके आप ऐसे ही पी सकते हो, एक हर्बल ड्रिंक बन गया। और अगर आपको टी की तरह यूज़ करना है तो आप इसको पानी में डाल के बॉयल करिए, फिर इसके बाद जब एक दो उबाल आ जाएं उसके बाद स्ट्रेन करके उसमें मिक्स कर सकते हो आप मिल्क दूध, तो आपका एक ये लाइट पिंक कलर की टी बनेगी, जिसमें कि आपको कोई स्वीटनर नहीं डालना। बिकॉज ऑफ दैट इसमें मुलैठी की मात्रा इतनी डाली है कि ये नेचुरल स्वीटनर इसको मतलब पी जा सकती है। तो ये एक शुगर फ्री और मिल्क फ्री, इस तरह का आप कह सकते हो कि दोनों तरह से बन सकती है, चाहे मिल्क यूज़ करो चाहे विदाउट मिल्क, दोनों तरह का ड्रिंक बन सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि हर एक व्यक्ति ये इम्यूनो डिटॉक्स टी ले और रोगों से आपको फ्री फ्रॉम डिजीजेज रहे, कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। आप एक ऐसा ड्रिंक शुरू करें जो आपको हेल्दी रखे, ना कि आपको ब्लैक टी लेने से जो बीमारियां आप ले रहे हो उनसे आप छुटकारा पा सको।
इसलिए आप प्लीज़ ये इम्यूनो डिटॉक्स टी शुरू करें और एक अपने नए जीवन की शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच।